तो दोस्तों विंडोज 11 22H2 तो बेसिकली अवेलेबल हो चुका है। मतलब आपको नहीं पता है, अरे क्या कर रहे हो भाई, आई बटन पे वीडियो चेक करो यार। 22H2 सबसे बिगेस्ट और यार मेजर अपडेट ईयर का जो है ना, वो विंडोज 11 का काफी हद तक कंफर्म हो गया। इसके फीचर सब कुछ आपके पास अवेलेबल हो चुके हैं। इवन आप चाहो तो आज की डेट में रिलीज प्रीव्यू, जो सबसे लास्ट स्टेज होता है किसी भी यार वर्जन को टेस्ट करने के लिए, वहां पे अवेलेबल है। आप इजिली जाके टेस्ट वेस्ट करके वापस भी आ सकते हो। तो एक तरीके से बोलो तो विंडोज 11 को यार इस साल का बेसिकली बड़ा अपडेट जो है वो मिल चुका है। बस स्टेबल में आने की दूरी है, कुछ हफ्ते में मैं शायद आपको यार स्टेबल में भी देखने को दिख जाएगा। पर ये सब बातें तो यार विंडोज 11 की है। जो मेजर ऑडियंस है ना वो विंडोज 10 पे है, उनके लिए कुछ है कि नहीं है, वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो यार स्टैट्स प्रूफ करते हैं कि विंडोज 10 यूजर्स एडवांस है विंडोज 11 से, नॉट इन टर्म्स ऑफ यार फीचर्स और ये सब, इन टर्म्स ऑफ यूजर्स और यार यूजेबिलिटी। क्योंकि यार देखा जाए तो अभी भी बहुत सारे पीसी यार विंडोज 10 ही चला पा रहे हैं। तो बिल्कुल आज थोड़ी बात करते हैं, लीक्स वीक्स निकल के आई है, काफी कुछ चीजें होगी, इवन फीचर्स पे भी थोड़ा इंटरेक्शन कर लेंगे, मजा टोटली आने वाला है। बाकी स्वागत आप सभी का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। बाकी दोस्तों एक चीज तो कंफर्म है यार, विंडोज 10 की जो अपडेट है ये अभी आपको 2 से 3 साल आराम से मिलने वाले हैं, जितना माइक्रोसॉफ्ट वालों ने कंफर्म किया। मतलब ये अभी डेड नहीं होगी, विंडोज 10 पे अपडेट आएंगे। तो अगर आप चाहो तो अभी विंडोज 10 पे स्टे कर सकते हो, इवन कुछ दिनों में गूगल प्ले गेम्स भी आ जाएगा। तो काफी हद तक यार फर्क मिलेगा नहीं आपको। हाँ, अगर तब भी आपके पास एडवांस पीसी है तो विंडोज 11 प्रेफरेबल है, पर नहीं ओल्ड पीसी है कोई दिक्कत, विंडोज 10 कम थोड़ी है। बाकी यार थोड़ी लीक्स की जो मैं बता रहा था, क्या लीक्स में आया, तो बेसिकली भाई देखो विंडोज 10 और विंडोज 11 दोनों को एक ही अपडेट मिलना है साल का मेजर, वो है भाई 22H2। बस दोनों में फर्क ये होगा फीचर्स और इन सब का। अब विंडोज 11 का कंफर्म हो चुका है, विंडोज 10 का 22H2 जो बिल्ट है ना, इसके फीचर्स एकदम कंफर्म नहीं हुए हैं अभी तक। इसके यार कुछ भी खुलासा नहीं किया गया, पर कुछ एस्टिमेशन लगा सकते। अब बात रही भाई लीक्स की, तो बिल्कुल यहां पे लीक्स निकल के आए। बेसिकली भाई विंडोज 10 के जो लेटेस्ट बिल्ड्स निकल के आ रहे हैं ना, जो रिलीज प्रीव्यू में अवेलेबल भी हो चुके हैं, वो सारे के सारे यार 22H2 पे बेस है। तो बोल सकते हो हां बिल्कुल, रिलीज प्रीव्यू जो फाइनल स्टेज रहता है वहां के जो बिल्ड्स है वो 22H2 पे बेस है। तो काफी जल्दी यार 22H2 पे तो पहुंचने वाले हैं। इवन यार उन बिल्ड्स में यार कुछ भी ऐसा एडवांस फीचर देखने को नहीं दिखा है, फाइनल वर्जन में जरूर होगा पर वहां पे नहीं है। तो कंफर्मेशन के लिए तो एक चीज पता चलती है कि कुछ हफ्तों में शायद आपको यार 22H2 विंडोज 10 पे भी देखने को दिख जाएगी। बात करें यार फीचर्स की, क्योंकि उसी का लोग सबसे ज्यादा वेट कर रहे हैं, तो देखो फीचर्स में कुछ ना कुछ तो प्रगति जरूर करेंगे विंडोज 11 से, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट मिलाने की इनकी पूरी कोशिश रहेगी। लाइक अगर मैं कुछ कुछ चीजें बताऊं तो ये एक मैंडेटरी अपडेट भी हो सकता है गूगल प्ले गेम्स इंजॉय करने के लिए। तो बिल्कुल अगर वो चाहते हो तो ये अपडेट करना पड़ेगा 22H2 वाला। सेकेंडरी आप मेरे से पूछोगे तो भाई बिल्कुल ऐप आइकन्स हो गए या फिर डिजाइन हो गया, इनमें कुछ ना कुछ तो फर्क जरूर देखने को दिखेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ यार चीजें तो विंडोज 11 से यार उठा के डालेंगे ताकि यूजर्स को कुछ तो नया मिले। स्टार्ट बटन चेंज हो सकता है, ऐप आइकन चेंज हो सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें देखते हैं। कर्व भी हो सकता है भाई, जैसे राउंड एजेस है ना अपने विंडोज 11 पे, उस तरीके का कुछ। यही बोलूंगा भाई, डार्क थीम अनेबल हो जाएगी बहुत सारे एप्लीकेशन में, लाइक नोटपैड अपना हो गया या फिर अपने टास्क मैनेजर, इन सब में ऐसी ऐसी बहुत सारी और छोटी मोटी अपडेट्स आपको देखने को दिख सकता है। स्पीकर कंट्रोल, ये सब छोटी मोटी चीजें आ सकती है। बाकी देखते हैं यार अपडेट आ जाए उसके बाद क्या क्या आता है, कुछ लिस्ट विस्ट निकल के आएगी आपको बताएंगे। बाकी चलो इस वीडियो में इतने, मैंने सोचा जो लीक्स निकल के आए इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं आपसे। कैसा लगा यार विंडोज 10? इंतजार होगा, विंडोज 10 यूजर्स तो हो आप यार, इंतजार करो 22H2 का, जल्दी आने वाला है सामने अपडेट्स के लिए, तैयार रहो। बाकी चलो इस वीडियो में इतना, पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करना, सब्सक्राइब बनता है, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय यार, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।